HDFC स्मॉल कैप किस तरह का फंड है। पिछली जब हमने वीडियो बनाई थी तो बहुत से लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे और अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिनको इस फंड पे विश्वास भी है। ठीक है, देखो अगर नंबर इस बात का सबूत है ना कि ये फंड आगे चल के परफॉर्म करने वाला है, तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले कि ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर नंबर अच्छे नहीं है और हमें लगता है कि ये नंबर ऐसे ही रहेंगे और उनके भी कुछ रीजंस हैं, तो फिर वो फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। लेकिन क्या ये फंड किसी भी तरह से अच्छा है किसी भी इन्वेस्टर के लिए? तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़नी। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं तो क्या ये आपके लिए सेकंड स्मॉल कैप बन सकता है? यानी कि आपके पास अगर कोई भी स्मॉल कैप फंड है तो क्या उसके साथ HDFC स्मॉल कैप फंड रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता? तो सब चीजों के बारे में बात करेंगे, इसमें डिटेल में जाके देखेंगे। और पहले पढ़ लेते हैं ये कमेंट जो हमें आया था। तो अब ये एक बार मिस्टर प्रतीक जी का मैसेज जो कमेंट है वो एक बार पढ़ लेते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड मैनेज्ड बाय चिराग, ही इज वेरी गुड इन टेकिंग बॉटम अप्रोच। चिराग हैज वेरी कॉन्फिडेंस इन हिज पोर्टफोलियो। ठीक है, ये तो इन्होंने HDFC स्मॉल कैप के बारे में बात करी, और फिर उसके बाद इन्होंने फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करी। और एक सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं मेरे भाई, आप लास्ट लाइन पढ़िए, HDFC फ्लेक्सी कैप कैन ऑल्सो बीट सेंसेक्स इन लॉन्ग रन विद हाई मार्जिन। भाई वो तो करना ही है, उसको सेंसेक्स से कंपेयर नहीं कर रहे ना, वो उसका बेंचमार्क है। हर चीज का बेंचमार्क सेंसेक्स या निफ्टी नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म में 12-13% ही रिटर्न मिलते हैं सेंसेक्स से, और मुझे नहीं चाहिए अपने फ्लेक्सी कैप से 12% रिटर्न। तो लॉन्ग मार्जिन से बीट करना तो वो तो एक बहुत कॉमन सी बात है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, और जो आप कह रहे हो कि चिराग हैज वेरी कॉन्फिडेंस इन हिज पोर्टफोलियो, तो मेरे भाई चिराग को कितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो, मुझे रिटर्न नहीं मिल रहे तो मैं क्या करूं? ठीक है, और रिटर्न कितने मिल रहे हैं, बाकियों से कितना पीछे है ये स्मॉल कैप, और पिछली कुछ स्टडीज भी जो एक साल जब तक ये परफॉर्म नहीं कर रहा था वो स्टडीज भी एक बार देख लेंगे, और अब नई स्टडीज भी देख लेंगे, सब कुछ देख के फिर डिसाइड करते हैं कि ये फंड अच्छा है या नहीं है। और चलते हैं स्क्रीन पे। तो फंड का कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले, हाउ द फंड हैज परफॉर्म पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखने से पहले, हम ये चीज देख लेते हैं कि वन ईयर में इसने क्या रिटर्न दिए हैं। ठीक है, बहुत ख़राब रिटर्न दिए हैं, यानी कि ये जो रेड कलर का है ये फंड है, तो इस फंड ने बहुत ख़राब रिटर्न दिए हैं। 3 ईयर्स में सबसे ख़राब रिटर्न, फिर 5 ईयर्स में, फिर भी लॉन्ग टर्म में फिर भी 0.5% से ये ऊपर रहा है और अच्छा रहा है अपने पीयर्स से भी और अपने बेंचमार्क से भी। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा हाई, शार्प रेशो बहुत ख़राब, मीन रिटर्न ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं, तो ये रेशोज़ भी काफ़ी ख़राब हैं कंपेरेटिवली अगर मैं बाकियों से कंपेयर करूँ तो। लेकिन अगर ढंग से कंपेयर करूँ मैं इसको यहाँ पे, शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म में सबने 12-14 के आसपास रिटर्न दिए हैं, इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, जहाँ ये सबसे बढ़िया रिटर्न देगा वहाँ मैं इसको ग्रीन कर दूंगा, और सेकंड नंबर पे है तो येलो कर दिया। ठीक है, सेकंड या थर्ड नंबर पे रहेगा तो। सिक्स्थ अगर मैं बात करूँ, 6 मंथ की बात करें तो वहाँ पे तो इसने भाई साहब ग्रीन तो ले लिया है। ठीक है, 1 ईयर की बात करें तो वापस, और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ यानी कि 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से ये सबसे पीछे है, और अगर मैं उससे भी लॉन्ग टर्म यानी कि 5 ईयर्स की बात करूं तो वो भी सबसे पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह का हमें पैटर्न बनता दिखता है तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि टाइम चेंज हो गया है, अब ये फंड आगे आने वाले टाइम में चलने वाला है। तो बाकियों को 3-3, 4-4% से बीट कर रहा है, तो वो बीट करने का मार्जिन भी इतना अगर हमेशा रहेगा यानी कि अगले साल भी, तो लॉन्ग रन में इतना ज़्यादा ये इनसे आगे नहीं निकल पाएगा। बीट करने का मार्जिन ऐसा होना चाहिए जैसे क्वांट ने क्रिएट करा था एक टाइम, तभी वो मार्जिन्स, जैसे 3 ईयर्स का मार्जिन्स देखेंगे तभी वो जाके हमेशा टॉप पे रह पाता है, या हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन खराब होने के बावजूद भी हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लेते हैं भाई साहब। एक तो स्मॉल कैप कैटेगरी, ठीक है, ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे इंडस्ट्री में, अगर स्मॉल कैप की बात करूं, स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करूं तो सेकंड नंबर पे है, और खराब के मामले में, अच्छे के मामले में नहीं, खराब के मामले में सबसे खराब क्वांट स्मॉल कैप का। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप तो मुझे रिटर्न देता आया आज तक। ठीक है, 2020 से लेकर आज तक 3 साल में रिटर्न दिए हैं, और 1-1.5 साल हम रुके थे तो कि कोई इसमें इन्वेस्ट करे, तो 1.5-2 साल से इसने रिटर्न तो बहुत तगड़े दिए हैं इनकी, और रीज़न भी मुझे पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो रीजंस नहीं है ना क्लियर, बस इन्होंने स्टॉक्स लिए थे और वो स्टॉक्स अब चल गए, अब रिटर्न मिल गए, फिर ये स्टॉक्स लेके बैठ जाएंगे, फिर 3 साल तक ये नहीं चलेगा, फिर 1 साल चलेगा, तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी चीज़ को बताता है कि इनका ये हिसाब किताब बहुत ख़राब है और इस फंड से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम शार्प रेशो की बात करें, देखो अभी मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा कि हमें इससे दूर रहना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस अच्छा है रिटर्न के मामले में, यहाँ पे अगर शार्पे की बात करें तो सबसे थोड़ा सा पीछे है,
कोई दिक्कत नहीं है। बीटा की बात करें तो बीटा भी हायर साइड पे है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं है तो काम चल जाएगा। सोटिनो की बात करें तो सोटिनो भी ठीक ठाक है, और अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा सबसे ख़राब है, यानी कि रिटर्न अपने बेंचमार्क से ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका यहाँ तक का लेखा जोखा, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी है कि हमें फाइनेंस का जो एक्सपोज़र है वो थोड़ा कम मिलता है। फाइनेंस का एक्सपोज़र जैसे यहाँ क्वांट स्मॉल कैप में ज़्यादा मिल गया, इधर यहाँ ज़्यादा मिल गया, 16-17% मिल जाता है, इधर हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे ओवरऑल फंड का 12-13% मिलता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम ही रहे फाइनेंस सेक्टर में एक्सपोज़र तो ज़्यादा बेटर है, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि जब हम लार्ज कैप लेते हैं, मिड कैप लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप समझिए फाइनेंशियल कैटेगरी में, और हम फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा घुस जाएंगे अगर हम स्मॉल कैप भी ऐसे ही ले लेते हैं तो, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो भी ठीक ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं, कोई बहुत ज़्यादा बेकार नहीं, लेकिन ठीक ठीक है, और ये सबका बराबर है। लेकिन इसका आप यहाँ पे देखेंगे 1% दिखा तो रहा है, लेकिन ये सिर्फ 1 मंथ का है, लेकिन 1 मंथ के बाद इस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता, ये अच्छी बात है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए फंड अच्छा हो सकता है एक बार के लिए, कि जिनको सिर्फ 100 रुपये लमसम करना है या 100 रुपये SIP करनी है, तो उनके लिए ये फंड एक बार के लिए अच्छा हो सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता ये किसी के लिए ज़्यादा खास अच्छा है। तो स्टूडेंट्स हैं जो लमसम करना चाहते हैं 1000 रुपये से कम या 5000 रुपये से कम, तो ये फंड बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर SIP करना चाहते हैं, 100 रुपये की पॉकेट मनी मिलती है, तो के लिए बढ़िया है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको खराब रिटर्न की इसकी कहानी दिखा चुका हूं, और यहां पे ये कहानी मैं शायद तीसरी बार दिखा रहा हूं अपने चैनल पे, और बार बार आपको कह रहा हूं कि भाई साहब इसने कैटेगरी एवरेज तक को बीट नहीं किया, और 5 साल में अगर किया भी, ओवरऑल रिटर्न दिए भी, तो अपनी कैटेगरी एवरेज के बहुत बराबर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, और यहां पे अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत हल्का सा सिर्फ 9000 रुपये का फर्क पड़ा कि आपने 9000 ज्यादा जनरेट कर लिए। आप कोई अच्छा सा फंड ले लेते, कोई अच्छा स्मॉल कैप कैटेगरी में ले लेते ना, इससे बेटर केनरा भी ले लेते, ठीक है, और निपोन ले लेते, SBI ले लेते, सब इससे बहुत ज़्यादा ऊपर और अच्छा परफॉर्मेंस देते। तो ये इसका कुछ पोर्टफोलियो है, 72 स्टॉक्स हैं इसके पास, और टॉप 10 में 32% पैसा डलता है। मैं कोशिश करता हूँ या देखता हूँ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो टॉप 10 में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा डालते हों 32% से एटलीस्ट, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इस चीज़ पे हम फंड को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने क्या टर्न ऐसा चेंज किया कि पिछले कुछ सालों में इनका फंड पूरी तरह से चेंज हो गया। सेक्टर में कुछ खास चेंजेस नहीं है, ना सर्विस में कोई चेंजेस हैं, ना कैपिटल में, ना फाइनेंस में बहुत बड़े चेंजेस हैं। केमिकल में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मतलब पहले रफली 10% के आसपास पहुंच गए थे, अब ये 5.78 आ गया है, ठीक है, और लगातार ये नीचे ही गिर रहा है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो उसमें भी बराबर ही रहा है हमेशा से, ठीक है। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में बराबर रहा है, हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में, तो बस वही है। एक मुझे कमेंट आया था कि सर इन्होंने बहुत अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं, तो ये चीज़ तो मानने की है, बहुत अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टॉक चलेंगे कब? 3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार नहीं चाहिए भाई, फिर मुझे तो ऐसा फंड, ठीक है ना। तो और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरह से ये अलग चल रहे हैं। अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करूँ तो मैं सर्विस में इनका एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, इनकी कैटेगरी का नहीं है, और कैपिटल गुड, फाइनेंशियल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, मिनरल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, जो अच्छे अच्छे सेक्टर हैं, किसी में इनका एक्सपोजर नहीं है। इन्होंने स्टॉक कहीं अलग ही ढूंढ रखे हैं, बस मुझे रिटर्न से मतलब है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे। कुछ नया ऐड या कुछ नया एग्जिट नहीं हुआ है लास्ट मंथ में, बस हल्के फुल्के चेंजेस हैं। इंडियन बैंक को थोड़ा सा बेचा गया है, फेडरल बैंक को बेचा गया है, GNA को बेचा गया है, और इधर इलेरेक्स सर्विस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, और फर्स्ट कोर सॉल्यूशन, और शोपर स्टॉप्स, पावर मैक प्रोजेक्ट, इनको खरीदा गया है। और अब जो सोनाटा है वो टोटल वैल्यू 885 करोड़ की रखता है, यानी कि रफली 5% इनके पोर्टफोलियो का। ये अप्रोच बिल्कुल नहीं अपनाते ये अप्रोच स्मॉल कैप मैनेजर्स बिल्कुल नहीं अपनाते कि एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो जाए सिर्फ एक स्टॉक में, लेकिन इन्होंने करा है तो फिर से कोई बात नहीं। मैंने हर जगह एक ही चीज़ बोली है कि कोई बात नहीं, चलो अब ये चल रहा है तो देखते हैं आगे इसका फ्यूचर कैसा रहता है अब, ठीक है। तो सोनाटा में अब इन्होंने जो एक्सपोजर बढ़ा दिया है, उस वजह से सोनाटा आ गया है 1 पे, 2 पे बैंक ऑफ बड़ौदा, 3 फर्स्ट कोर्स सॉल्यूशन, और फर्स्ट कोर्स में भी इन्होंने अभी दोबारा भी बाइंग करी है, इलेरेक्स में भी बाय करी है। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो अब और इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो इनको रिटर्न दे रहे हैं, तो ये अभी शॉर्ट टर्म में और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग रन में 3 साल में 5 साल में ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको बहुत आराम से बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको 100 रुपये की SIP और 100 रुपये का लमसम करने देता है। बाकी आपके पास मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप किन्नर रोबेको में इन्वेस्टेड हैं, यानी कि स्मॉल कैप फंड में,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जरूर वीडियो आएगी और उस वीडियो में देखेंगे केनरा रुबेको ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।